मीडिया को बिल्कुल खत्म कर देना, मीडिया के साथ वो कर देना, कि ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है कि ठीक है जायज हद तक कंट्रोल करें, डिफॉर्मेशन ला मौजूद है और जी भी देखें कि जायज हद तक कंट्रोल हो मीडिया पे, लेकिन बिल्कुल ओके जी इश्तेहार जाएगा, जब पेमेंट मिल जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो आज तो न्याजी साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मेरे दो साल दौर का एक पैसा भी किसी भी मीडिया का जो है वो नहीं रुकना चाहिए, उसे फौरन पेमेंट कर देनी चाहिए। आज ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। आफ्ताब साहब मैं अर्ज कर दूं कि भाई पिछले दौर का इसी मुल्क के लिए पैसा लगा है ना, अब मीडिया वालों को क्या पता है कि ये जो है ना, अगर कोई स्क्रीन पे इश्तेहार चला है, अगर कोई अखबार में इश्तेहार प्रिंट हुआ है, काफी हद तक पेमेंट कर चुके हैं ना। कौन कर चुके हैं? आप ही लोगों की, हम जो बताते हैं कि हमने इतनी पेमेंट कर दी है। नहीं नहीं कोई पेमेंट नहीं हुई, अभी पेमेंट कर रहे हैं। मैं तो आफ्ताब साहब हर पेमेंट जो वो करते ही है गवर्नमेंट, उसमें एपीएनएस का सीपीएनई की तरफ से मैं होता हूं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं सीपीएनई का, आर्क साहब सदर हैं, और पीबीए का एक तीन आदमी हम होते हैं। पेमेंट की है लेकिन बहुत कम की है, और पिछली पेमेंट तो कर ही नहीं रहे। आगे तो वैसे इश्तेहार पे पाबंदी लगा दी है, सुहेल साहब ने पाबंदी लगवा दी है, क्यों बड़ा साहब? ये सही बात है, पिछली कोई पेमेंट नहीं अभी हमें मिली, और उसकी वजह से लोगों की जो पिछले छह छह महीने की तनख्वाहें हैं वो रुकी हुई हैं, और वो सारी पाइल अप हुई हैं। अब कुछ इन्होंने दो साल की, अव्वल तो दो साल में इन्होंने इश्तेहार ही नहीं दी, और जो दो साल में थोड़े बहुत इश्तेहार दिए उसकी भी बड़ी थोड़ी पेमेंट की है, बाकी पेमेंट नहीं। फिर दो साशे कवान दे गई थी कुछ पर्चों को, इश्तेहार दे गई थी अखबारों को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पेमेंट अभी शुरू की है। न्यारी साहब, बड़ाई साहब के पास तो बहुत बड़ा हथियार है, ये एक दिन जियो का जो है ना शिबली फ्रांस के साथ मना ले और सारा दिन उनके जो है ना उनकी काउंसलिंग करते रहे। शिबली फराज साहब को राजी भी करना था ना सुहेल वड़ाई साहब से, सुहेल वड़ाई साहब फिर कई खबरें कई बार से ही ऐसे इंटरव्यू कर देते हैं जो परेशान ही करते हैं ना, क्यों सुहेल वड़ाई साहब? बिल्कुल ठीक है, मैं तो सुहेल वड़ाई साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया भी नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि सुहेल साहब एक एक से एक प्रोग्राम कराची के एमएनएस के साथ करें, कराची के हल्के के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं।